हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। हाउ आर यू? आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट का 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर। सो लेट अस कम फास्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरा न्यू सेशन आपके साथ आए। फ्रेंड्स, मैं अन अकेडमी पर वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को कर लीजिए डाउनलोड और सर्च कीजिए नवदीप कौर। सर्च करते ही यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे कोर्सेज मिलते रहें यहाँ पर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, और कौन कौन से कोर्सेज आपको चाहिए, क्योंकि ये न्यू सेशन अब स्टार्ट हो गया है, हमें अब न्यू सेशन के अकॉर्डिंग सोचना होगा और समझना होगा कि क्या क्या करना है। सो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अन अकेडमी पर डेफिनेटली अपलोड करूँगी। अब रिव्यूज़ प्रोवाइड करते रहा कीजिए जैसे ही आप न्यू लेसन देखें। सो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे 22 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में। नॉन वर्बल किस कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप है? आईसीटी। आईसीटी में आया था 1 बिट या बाइट को कन्वर्ट करना था। कंप्यूटर एरर क्या होता है? कंप्यूटर एरर होता है बग। कार्बन इमिशन के बारे में क्वेश्चन था, तो कार्बन इमिशन कितनी है फ्रेंड्स? आप लोगों ने जो मेरे को बताए हैं परसेंटेजेस, एक्चुअली परसेंटेज है वो या फिर बिलियन मेट्रिक टन है, वो एक बार मेरे को भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे तभी मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ। लेकिन कार्बन इमिशन से रिलेटेड 5 दिसंबर 2018 को जनरल अवेयरनेस आया था, ठीक है। सो इस चीज़ को तो बिल्कुल अब आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम से एग्ज़ाम वाले मंथ का ही जीए आ रहा है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, तो ये नहीं है कि आप लोग पहले पुराना वाला कर लो अब तो पेपर बन गया होगा, वो काम इस बार नहीं चलेगा। ये चीज़ को अच्छे से समझ जाइए आप, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा ये कि मैं एग्ज़ाम से मैंने नवंबर लास्ट में 31 नवंबर के आसपास कोई जीए डाला था तो सबने पॉइंट आउट किया था कि ये अब क्यों बता रहे हो, पेपर तो बन गया होगा। सो वो अब आपको प्रूफ हो गया है, ठीक है, कि 5 दिसंबर का जनरल अवेयरनेस भी आया है। सो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट करती हूँ, बट जब आगे से आता है कि नहीं ये क्यों करवा रहे हो एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो, ठीक है। अब आप चेक कर लो कि आता है कि नहीं आता, नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपने। सो आगे पढ़ते हैं। सो इसके अंदर कार्बन इमिशन बताया गया था 37.1 बिलियन मैट्रिक टन हो जाएगा इस साल के अंत तक, अगर हम फॉसिल फ्यूल रिलेटेड कार्बन इमिशन को चेकआउट करें, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को चेकआउट करें। और हमारा जो इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो राइज हो गया, इंक्रीज हो गया 2.7% से। और इसके अलावा भी काफ़ी डाटा है, एक बार क्वेश्चन पता चले तो उसके अकॉर्डिंग आई कैन टेल यू, है ना, कि क्वेश्चन था क्या, कार्बन इमिशन कौन सा वाला पूछा था। सी इसमें बहुत अजीब सी अलग बात हुई, वो वैसे पहले भी होता था कि 2 DI आए थे, एक में तो 3 क्वेश्चंस थे और दूसरे वाले में 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जैसे नंबर ऑफ एलिजिबल फॉर वोट, सिंपल परसेंटेज निकालनी थी और वो बहुत इजी था। RC भी इजी था, बस स्क्रॉलिंग में दिक्कत ऊपर नीचे करने में, मैथमेटिकल रीजनिंग थी जिससे कि जेनिफर के हस्बैंड से रिलेटेड कुछ था, फिर नंबर सीरीज थी जो ट्री मेथड से सॉल्व हो गई थी, ये भी मैं साथ साथ समझा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ट्री मेथड से सॉल्व हो गई थी, इजी थी। अल्फाबेट सीरीज वाज आल्सो इजी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था UGC ने, अगर रिकमेंडेशन वाला क्वेश्चन था तो राधा कृष्णन जी का नाम आएगा, ठीक है, कि किसने रिकमेंड किया UGC को। अगर फाउंडर वाला क्वेश्चन था कि किसने फाउंड किया, एक्चुअली इन्होंने इनोग्रेशन किया था, सो फाउंडर भी अब्दुल कलाम आज़ाद को ही बोला जाता है। फिर कोठारी के बिशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, रूसा से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस थे कि क्या लॉन्च हुआ था 2013 में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें आंसर रूसा, यस रूसा 2013 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर टीचिंग के क्वेश्चंस मॉडरेट थे, समझ के करने वाले थे, ऐसा नहीं है कि भाई रट्टा मारू वाले नहीं, समझ के करने वाले थे। फिर था विच इज़ नॉट इंस्ट्रक्शनल एड, कौन सा वाला इंस्ट्रक्शनल एड नहीं है, तो कुछ ऑप्शंस दिए थे उसमें से बताना था। सो ये सब क्वेश्चन मुझे बताया है सोनाली भट्टाचार्य ने, सो थैंक यू सो मच। अच्छा, वेस्टर्न घाट कहाँ है? केरला में है, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वेस्टर्न घाट इज इन केरला। देन रीजनिंग में ओड वन आउट करना था, ठीक है, जैसे कि ये है नीलगिरी हिल्स, शिवालिक रेंज, अरावली हिल्स, माउंट किलिमंजारो। सो देखो ये सब तो अब इंडिया में है, एक माउंट किलिमंजारो ही आपका अफ्रीका में है, सो इसलिए ये माउंट किलिमंजारो होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट वाला।
सो फ्रेंड्स ऐसे ही अनाव क्लासेस देखते रहिए और मेरा कंप्लीट कोर्स आया हुआ 2019 के लिए, इसके अंदर मैंने काफ़ी चेंजेस किए। अगर आप स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो आप स्ट्रक्चर में जाके देखना, मैंने न्यू पैटर्न की रीजनिंग उसमें ऐड करी है, ठीक है, और वो भी दो दो सेशन ऐड करे हैं। सो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स हो सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ अपडेटेड मिलेगा, पिछली बार जो भी मैंने करवाया है उनसे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का मिलेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम डिफरेंट टाइप का आ रहा है। देखो सिलेबस उन्होंने कहा था इंटरनेट का चेंज नहीं होगा, लेकिन पैटर्न उन्होंने चेंज किया, सबको दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम कभी भी डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, इस बार दो दो बैचेस में आए, दो शिफ्ट में आए, ठीक है, और इससे पहले कभी भी एनालॉजी इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं आई थी, ऑड वन आउट वाले, बट अब आ रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब वो जितना ज़्यादा हो सकता है ना, हम उतना ज़्यादा रीजनिंग को अच्छे से इम्फोसाइज करेंगे, क्योंकि अब हम छोड़ना नहीं चाहते और रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे ही हमने देखा टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, रिसर्च ज़्यादा आ रहा है, सो इन सब चीज़ों को देखते हुए सारा पैटर्न मैं अब चेंज कर रही हूँ अपने कोर्सेज का डेफिनेटली, और अपडेटेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये 24 लेंथ कोर्सेज भी आपको इसी तरीके से अपडेटेड मिलेंगे सारे के सारे। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट अपना माइंड में ड्रीम सेट करो, बिलीव करो, एक्ट करो, आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। अच्छा एक और प्रॉब्लम फेस करी गई मेरे लर्नर्स के द्वारा कि जो सेकेंड पेपर था ना इंग्लिश वाला, वो उनको लगा थोड़ा टफ, ट्रिकी एंड आउट ऑफ द बॉक्स। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को उसमें भी कंसेप्ट पता होना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, चिंता मत करो। पेपर वन आपका अच्छा गया ना, कोई बात नहीं, पेपर वन अच्छा गया, पेपर टू के साथ कंपनसेट हो सकता है, ठीक है। और अगर सभी को ट्रिकी लगा था तो उसकी कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी कम ही आएगी, क्योंकि अगर सबको ही ऐसा लग रहा है कि अजीब सा था तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो क्योंकि सबका साथ फिर सबकी इंग्लिश वालों की कट ऑफ अलग तरीके से आएगी ना, फिर सबकी ऐसे ही कॉमर्स वाले या मैनेजमेंट वाले या हिंदी हिस्ट्री जो भी है, सो कोई भी अपना चिंता मत करो। नव क्लासेस देखते रहिए, फेसबुक का पेज जरूर लाइक कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।